दो दिन पहले आपको एक खबर न्यूज 89 में दिखाई गई थी कि अंबाला के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक महिला नवजात बच्चे को फेंक कर वहाँ से फरार हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही उक्त महिला की तलाश कर रही थी, जिसमें पुलिस कामयाब हो गई और उस महिला का पता लगाने के बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल अंबाला में भर्ती करवाया गया है। उक्त महिला की पहचान हो चुकी और पहले ही महिला के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की शादी भी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने महिला की हालत को देखते हुए उसे अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है और उसकी हालत ठीक होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। महिला ने बच्चे को कोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्यों छोड़ा, इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान सीसीटीवी कैमरों के आधार पर ही की गई। हाँ, महिला की पहचान भी हो गई और साथ में उस महिला के एक बच्ची भी थी, उन दोनों की पहचान हो गई है। वो उसी की लड़की थी, सबसे छोटी लड़की, नियर अबाउट 10-11-12 साल की होगी। और महिला ये विडो है, इसका हस्बैंड जो पिछले करीबन 10 साल पहले एक्सपायर हो चुका था, और आज इसके जो महिला को है हमने मतलब डिटेन किया है और बच्ची को बाल संरक्षण जिला इसमें काउंसलिंग के लिए भेज दिया बच्ची को। और महिला की जो हालत है वो काफ़ी मेडिकल और हेल्थ से काफ़ी कमज़ोर थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। और जो फॉर्मेलिटीज है डॉक्टरों की, हमें जो रिपोर्ट चाहिए तो उनके लिए हमने एप्लीकेशन लिख दी है। इसका बोर्ड के द्वारा सारी रिपोर्टें मेडिकल वगैरह होगा। और जो लेडीज़ है अभी इतनी कमज़ोरी की हालत में है कि वो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन प्रथम उसमें ये उसने एक्सेप्ट किया है, अभी इसने बच्चे को जन्म देके और उसने छोड़ा। बिल्कुल इसको मेडिकल हालत ठीक होते इसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। तब तक तो हमें 2 दिन का बच्चा मिला है, उसकी बड़ी बहन ने हम लोगों को काउंसलिंग में बताया है कि 13 तारीख की सुबह 4 बजे के करीब उसके घर पे ही डिलीवरी हुई है। तो जब डिलीवरी हुई तो मदर ने कहा ऊर्जा काका हुआ है और वो दोनों पैदल गए हैं वहीं से बादशाही पार्क से, और कोर्ट में जाके मैंने बच्चा छोड़ दिया। लेकिन हमने पहले तो सोचा बड़ी बहन को हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन बड़ी बहन कह रही है कि मेरी मदर प्रेगनेंट ही नहीं थी। तो दोनों के बयान डिफरेंट हैं, तो हमें लग रहा है कि अभी हम बहन छोटी जो मिली है बच्ची उसको हम CCI में अभी रखेंगे, मदर भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस ने उस लेडी को और उस बच्ची को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो अंबाला की ही रहने वाली हैं। अभी पुलिस की तरफ से जो है बच्ची बाल कल्याण समिति में प्रोड्यूस की गई है। अभी फिलहाल बच्ची की काउंसलिंग चल रही है, जब तक बच्ची की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो जाती। बच्ची ने स्टार्टिंग में ये एक्सेप्ट किया है कि उसकी मदर के कहने पे उसने बच्चा वहाँ पर रखा है, तो अभी उसको बच्ची थोड़ी डरी हुई भी है। अभी प्रॉपर जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं और जल्दी ही हम अपनी रिपोर्ट जो है वो बाल कल्याण समिति को पेश करते हैं। अंबाला से राजीव कोचर, न्यूज 89।